जम्मू कश्मीर में जमकर गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा कि नया भारत घर में घुसकर मारता है। बीजेपी सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू की ये सभा विधानसभा चुनाव की मेरी आखिरी सभा है। जम्मू में लोगों के अंदर बीजेपी को लेकर उत्साह है। घाटी के लोग आतंक और अलगाववाद नहीं चाहते। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग तीन परिवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी से त्रस्त है। लोग फिर वही निजाम नहीं चाहते जिसमें भ्रष्टाचार हो, नौकरियों में भेदभाव हो। जम्मू कश्मीर के लोग आतंक, अलगाववाद और खून खराबा अब नहीं चाहते हैं। यहाँ के लोग अमन और शांति चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया। जम्मू कश्मीर के साथ दशकों तक भेदभाव हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग बेहतर भविष्य चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले दो चरणों में हुए भारी मतदान ने जम्मू कश्मीर की जनता का मूड बता दिया है। दोनों चरणों में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग हुई है। अब यह भाजपा की पूर्ण बहुमत की पहली सरकार बनना तय है। जम्मू क्षेत्र के लोगों के लिए इतिहास में पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया जो इस चुनाव में आया है। अब पहली बार जम्मू क्षेत्र के लोगों की इच्छा वाली सरकार बनने जा रही है। आपको इस मौके पर छोड़ना नहीं है क्योंकि भाजपा की जो सरकार यहां बनेगी वो आपकी पीड़ा दूर करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि यह नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। आतंकवाद पर कांग्रेस की नीति गलत थी। बीजेपी सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि याद कीजिए वो वक्त जब उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस सफेद झंडे लहराती थी। जब भाजपा सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उस तरफ से लोगों को होश आया। आज 28 सितंबर है। साल 2016 में 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। भारत ने दुनिया को बताया था कि ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता। आतंक के आकाओं को पता है अगर कुछ भी हिम्मत की तो मोदी पाताल से भी उन्हें खोज निकालेगा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस देश के लिए मरने वालों का कभी सम्मान नहीं करती। ये वही कांग्रेस है जिसने हमारे सैन्य परिवारों को 4 दशकों तक वन रैंक वन पेंशन के लिए तरसा। कांग्रेस ने हमारे सैनिकों से झूठ बोला। वे कहते थे कि वन रैंक वन पेंशन OROP से खजाने पर दबाव पड़ेगा, लेकिन मोदी ने सैनिक परिवारों के कल्याण को आगे कभी खजाने की तरफ नहीं देखा। इसलिए 2014 में सरकार बनने के बाद हमने OROP लागू किया और सेना के परिवारों को 1,20,000 करोड़ से ज़्यादा रुपये मिले हैं। हाल ही में हमने OROP को भी पुनर्जीवित किया है जिसमें सेना परिवारों को ज़्यादा पैसा मिलना तय है। इसमें सेना के परिवारों को ज़्यादा पैसा मिलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस, न्यू भारत।